हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेस्टी चटनी। ये चटनी आपने कभी नहीं बनाया होगा, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। ये चटनी आप पकौड़े, वड़ा पाव, पराठा किसी के साथ भी इसको अब खाया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को हम ट्राई करेंगे, तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, घर में अगर आपके पास कच्चा आम पड़ा हुआ है या फिर छुआरे जो है बहुत दिनों से ख़राब, ये छुआरे हमारे पास बहुत समय से पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा इसकी कुछ ख़ास रेसिपी आपको बताया जाए। तो इसकी हम रेसिपी बता रहे हैं आपको। तो ये हमारे पास थोड़े से आम थे, थोड़ा सा पक गया था, तो इसको हमने छील कर छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा ही पक गया था पर खट्टा मीठा है। और ये छुआरा लिए थे हमने, इसको रात भर के लिए भिगो दिया था, तो ये भीग कर फूल गया है। तो इसका बीज निकाल कर हमने बीच में से इसको दो भाग में कट कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई रख दिया है, उसमें हम डाल देंगे 1 कप के करीब पानी डाल देना है आपको। पानी में उबाल आ जाने पर इसमें हम ये जो आम लिए हुए हैं तो वो डाल देंगे। हमें आम को हल्का सा पका लेना है, बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं क्योंकि पके हुए ही आम लिए हम। अगर एकदम कच्चा आम है तो पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे आप। तब इसको हम ढक देते हैं 5 से 6 मिनट तक, जब तक वो बॉईल होगा। हमने जो छुआरा लिया है, छुआरा तो हर घर में सबके पास भी होता है, इससे जो है बहुत ही खास चटनी बनाया जाता है, आपने कभी बनाया नहीं होगा। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमने महीन पीस लिया है। थोड़ा सा दरदरा भी होगा तो भी चलेगा, या फिर आप चाहें तो इसका महीन पेस्ट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए चम्मच से हम आपको दिखा दे, हल्का सा ये दरदरा है, जैसा भी हो आप इसको पीस लेंगे। तो इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। आम को भी चेक कर लेते हैं पका है कि नहीं। तो ये देखिए बॉइल आ चुका है, तो ढक्कन हमने हटा दिया है। तो इसको हम चम्मच से चला देते हैं, आम को हम चेक कर लेते हैं पका है कि नहीं। तो ये देखिए आम जो है हल्का सा पक गया है, पर थोड़ा सा इसको हम और पका लेते हैं। अब ये कच्चा है तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से और पका लेते हैं। आम को हम चेक कर लेते हैं पका है कि नहीं, तो हम इसको चम्मच से चला देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, देखने में आम जो एकदम सॉफ्ट दिख रहे हैं, ये देखिए तो आम अच्छे से पक चुके हैं। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसको हम एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। जब पूरा ठंडा हो जाए तभी हम इसको मिक्सी जार में पीसेंगे, गर्म पर नहीं पीसना है आपको। तो इसमें हम थोड़ा सा आम ले लेते हैं, या फिर एक बार में ही ले लेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं। ये देखिए एक बार में हम इसको पीस लेंगे पूरा, आपके पास जितना हो तो आप 2-3 बार में पीस सकते हैं। तो ढक्कन बंद कर देंगे, तो इसका महीन पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका हमने एकदम महीन पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। तो चलिए हम चटपटी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में हमने डाल दिया है जो आम हमने पीसा है, कढ़ाई में कुछ नहीं डालना है, केवल आम आपको डालना है। और उसी जार में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है, 1/2 कप के करीब। तो पानी डालकर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इतनी टेस्टी चटनी बनती है दोस्तों, अगर आप किसी को खिलाएंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि छुआरे और कच्चे आम से बना चटनी है। हमने 4 गुड़ लिया है मीडियम साइज के, तो इसमें 4 गुड़ डाल देते। आम खट्टा था थोड़ा सा, थोड़ा सा मीठा था, तो इसमें गुड़ ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि छुआरा हमने लिया है वो मीठा है, तो इसलिए गुड़ थोड़ा सा कम ही यूज करेंगे आप। और जो हमने छुआरा पीस के रखा है वो पूरा इसमें ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गुड़ को मेल्ट होने तक हम इसको चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे, बीच में ना छोड़े नहीं तो ये जल जाएगा। तो हम इसको चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये गुड़ जो है थोड़ा मेल्ट हो चुका है और थोड़ा सा बाकी है, तो पूरा मेल्ट कर देते हैं इसको और चलाते हुए ही पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, ऐसी चटनी तो आपको दुकान पर भी नहीं मिलेगा जाएंगे तो, और इतना सस्ता घर के छुआरे से ही आप बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रहे हैं दोस्तों, ये ऑरेंज रेड कलर है।
अगर आपको कलर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें कलर का यूज किया है तो इससे जो चटनी देखने में भी और अच्छा लगता है, ऑप्शनल है ये। तो हमने डाल दिया, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं कुछ मसाले ताकि चटनी जो है, क्योंकि समोसा वाला चटनी है ये, तो और भी टेस्टी लगता है खाने में। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच डाल दिए हैं, आधा छोटा चम्मच से भी कम आपको लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी आधा चम्मच डाल सकते हैं, पर ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करेंगे, केवल लाल मिर्च और भुना जीरा पाउडर ही हमने ऐड किया है। तब इसको हम पका रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक चलाते हैं ताकि मसाला जो पक जाए। और ये देखिए गाढ़ा भी हो चुका है, हमने इसको 2-3 मिनट लगातार चलाते हुए पका लिया था। ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करेंगे इसमें, नहीं तो ना टेस्टी नहीं बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, कितना अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। तो ये गाढ़ा हो चुका है और अच्छे से पक भी गया है। तो गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं, तब इसको ठंडा होने देते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ देर बाद हम आपको दिखा रहे हैं, ये ठंडा हो चुका है और हल्का गाढ़ा भी हो चुका है। ठंडा होने पर गाढ़ा हो जाता है। तो अब इसको हम एक कटोरे में सर्व करते हैं। चटनी जो है बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार हुआ है, ना ही ज़्यादा तीखा नहीं बनाए हम, मीठा है, चटपटा है, एकदम समोसे की ये चटनी बनकर ऐसे ही तैयार होता है। आप इस चटनी को किसी के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी पकोड़े के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कटोरी में सर्व कर लिया है। आप इसको एक कांच के जार में या फिर जो प्लास्टिक वाले डब्बे आते हैं वाइट वाले, उसमें भी रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। डब्बे में रखकर फ्रीज़र में रख दें, तो हम आपको पास से दिखा देते हैं। चटनी बनके तैयार है, आप इसको महीनों तक स्टोर करें और फ्रिज में ही रखे रहें, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए स्वादिष्ट रेसिपी लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।